दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जॉइंट्स में पेन होता है। यह पेन यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण हो सकता है। यूरिक एसिड एक टॉक्सिन है जो भोजन के पचने के बाद बॉडी में बनता है। किडनी इन टॉक्सिन को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन जब ये टॉक्सिन जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं तो किडनी इन्हें नहीं निकाल पाती, जिससे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। बॉडी में एक्सेसिव यूरिक एसिड बढ़ने से यह क्रिस्टल का रूप ले लेता है, जिससे गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें आपके जॉइंट्स में पेन और सूजन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड होने का भी खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, बॉडी में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 3.5 से 7.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा यूरिक एसिड होने लगे तो ये जॉइंट्स में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। इसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होने लगती है। ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड बढ़ने पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना सेफ है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करनी चाहिए। दोस्तों, डाइट से यूरिक एसिड को काफी कंट्रोल किया जा सकता है। खाने में प्यूरिन से भरपूर चीजें शामिल करने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, क्योंकि प्यूरिन वाले डाइट के डाइजेशन के बाद यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हालांकि हेल्दी लोगों के लिए यूरिक एसिड ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि सेहतमंद लोग आसानी से यूरिक एसिड को वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग गाउट के पेशेंट होते हैं, वो कंप्लीट तरीके से यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए अधिक प्यूरिन वाले डाइट से यूरिक एसिड जमा होने लगता है और इससे गाउट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, रेजिन्स, ब्रोकली, एप्रिकोट, मशरूम, पालक, बंदा गोभी, बीन्स और कुछ टाइप्स की दाल जैसे कि मसूर, राजमा और चना में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। हाई यूरिक एसिड होने पर आप इस तरह के डाइट को अवॉइड कर सकते हैं। हाई यूरिक एसिड होने पर आप अधिक प्रोटीन युक्त डाइट को भी अवॉइड करें, क्योंकि हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट में भी प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा चीनी, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा या इससे बने प्रोडक्ट जैसे कि पास्ता, मैगी को अवॉइड करें। इसके अलावा रेड मीट, स्पेशली कुछ इंटरनल ऑर्गन जैसे कि कलेजी खाने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। साथ ही कुछ फिश जैसे कि हेरिंग, ट्राउट, टूना, क्रैब इत्यादि को खाने से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, ग्रेन्स, अल्कोहल और कुछ सी फूड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्यूरिन की अधिक मात्रा होती है। इनके सेवन से बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ऐसे में व्यक्ति को इन फूड्स का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, वरना यह गाउट की समस्या को ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, अभी आपने जाना कि किस टाइप के फूड्स खाने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। आइए अब ये जानते हैं कि किन फूड्स का सेवन हाई यूरिक एसिड में सेफ है। यूरिक एसिड कम करने के लिए यह जरूरी है कि एक बैलेंस्ड डाइट लिया जाए, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्ब, प्रोटीन, गुड और हेल्दी फैटी एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में हो। दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल हाई है तो आप अपने डाइट में सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, आंवला और नींबू को जरूर शामिल करें। रोजाना इनका सेवन करने से बहुत जल्द और आसानी से यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होती है। इन्हें खाने से शरीर के अंदर की गंदगी भी दूर होती है। साथ ही आप अपने डाइट में एप्पल और चेरी को भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, मिक्स अनाज यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में असरदार है। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा और दलिया का सेवन यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए उपयोगी होता है। फाइबर से भरपूर सब्जियां यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल हाई रहता है, वो सब्जियां का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी पीने से यूरिन के जरिए यूरिक एसिड आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।